समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर बेदिहाता स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अवधीश यादव के अध्यक्षता में हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधीश यादव ने बताया कि नेताजी ने समाज के सभी गरीब वर्गों के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक कार्यों को किया। रक्षा मंत्री कार्यकाल में देश के सैनिकों के लिए मरणोपरांत उनके शव को उनके गांव तथा साथ में 50 लाख रुपए का चेक व राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हम सभी को नेताजी के विचार, आचरण, आत्मसात के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। नेताजी का संघर्ष एवं समाजवादी संग्राम में उनका योगदान सदैव अमर है। नेताजी के संघर्ष से आने वाली पीढ़ियों को सीखने की जरूरत है और आने वाली पीढ़ियां सीखती रहेगी। इस अवसर पर गोपाल यादव, अखिलेश यादव, सुमन पासवान, राहुल गुप्ता, शशिकांत दुबे, कपिल मनु यादव, नरसिंह यादव, अशोक चौधरी, राहुल यादव, शिवशंकर गौड़ सहित समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधीश यादव ने कहा, और संकल्प करें किस काम के हवन करने घूमने जा रहे हैं, संकल्प लेते हुए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में हे अग्नि देवता हमारी मदद करें और हमेशा प्रभु की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसा करते हुए भाव करते हुए ये आपको समर्पित। ओम भो स्वाय नम स्वाहा, ओम भो स्वाय नम वावे नम स्वाहा, ओम स्व स्वाय सुजाय नम स्वाहा, प्रजापते नम स्वाहा, इदम प्रजापते नम स्वाहा 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 थोड़ा सा पिछड़ा भूत हो गया थी प्रणाम करिए सब लोग प्रसाद नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए आज नेताजी का जन्मदिन है और ये पहला जन्मदिन है जब हम लोग नेताजी के बगैर मना रहे हैं। नेताजी के ही विचार पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि नेताजी ने जो गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए जो सपना देखा था, उनके विकास का सपना देखा था, उनके विचारधारा को लेकर के आज उनके जन्मदिन पर हम सब ने संकल्प लिया हवन पूजन करते हुए कि कभी भी नेताजी तो मर नहीं सकते, उनका विचार कभी नहीं मर सकता, उनके विचार को लेकर के हम लोग गांव-गांव जाएंगे। नेताजी के बारे में, नेताजी हमारे लिए सब कुछ हैं, हम लोगों के लिए तो भगवान स्वरूप हैं। आज उन्हीं के दी हुई जुबान से आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं और नेताजी के बारे में क्या बताया जाए वो बहुत कम होगा, लेकिन नेताजी ने जो गरीबों, आज तो सभी पार्टियां, वो पार्टियां जो कल तक नेताजी के बारे में बहुत भला बुरा कहा करती थी, जो नेताजी को किन किन शब्दों से जिन लोगों ने नवाजा था, आज उनके तारीफ के पुल बांधने में वो पीछे नहीं हट रही हैं। इसका मतलब आज जो समाजवादी लोग कहते थे
कि नेताजी ही असली समाजवाद के ध्वजवाहक हैं और उन्होंने समाज के अंतिम पायदान के वक्त के लिए उन्होंने विचार को ले गए हैं। आज तो सब लोग मान रहे हैं, यह मान लिया गया है कि हम समाजवादी लोग जब अपनी बात करते हैं वो बातें सब सही होती हैं, लेकिन खाली दिशा भरवाने के लिए लोग उस समय तक आरोप लगाते हैं। तो नेताजी ने अपना लोहा मनवाया, अपने विचार का लोहा मनवाया है और आज देश और दुनिया की सभी समाजवादी विचार या दूसरे भी विचारधारा के लोग जो हैं वो नेताजी का लोहा मानने का काम कर रहे हैं।